हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कौशिक और इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो एंड्रॉयड 9 या पाई, ये तो रिलीज़ हो गया है, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि हम सभी के फ़ोन में ये अपडेट आएगा नहीं। पर आप चाहो तो इसके कुछ पार्ट्स को यूज़ कर सकते हो, लाइक इमोजी। तो इसे आप रूटेड या अनरूटेड किसी भी फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशंस है। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊँगा एंड्रॉयड पाई की इमोजी को आप कैसे लोअर एंड्रॉयड वर्जन में यूज़ कर सकते हो, मतलब वही सेम इमोजी आप अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हो। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर ये प्रोसेस काम कर जाए एंड वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना। तो पहले मैं आपको बताता हूँ इस इमोजी फाइल को कैसे डाउनलोड करना है। इसके लिए पहले तो आप XDA की इस पोस्ट पे आ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इमोजी फाइल सपोर्टेड है एंड्रॉयड किटकट के ऊपर किसी भी वर्जन को। देन नीचे आ जाइए, यहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स एंड इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगा आपको। वैसे मैं आपको बता ही दूंगा इसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन है उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो फाइल डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आप इसे किसी भी स्टोरेज पे प्लेस कर दीजिए। तो रूटेड फ़ोन्स में आप इसे दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। जो पहला है, उसके लिए एक फाइल एक्सप्लोरर ऐप चाहिए जो कि रूट में एक्सेस कर सके एंड जिसका रूट परमिशन ग्रांटेड होना चाहिए। तो फाइल एक्सप्लोरर ऐप को ओपन कीजिए एंड इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो फाइल देख रहे हो उसको कॉपी कीजिए। तो रूट पर आ जाइए, देन सिस्टम एंड देन फोन्स। तो फोन्स पर आने के बाद आप इस नेम की फाइल को सर्च कीजिए। तो ये आपकी डिफ़ॉल्ट फ़ोन इमोजीज है, चाहो तो इसे बैकअप करके रख सकते हो। एंड इसी जगह पे जो न्यू फाइल है उसको रिप्लेस कर दीजिए। देन रिफ्रेश करके फाइल की प्रॉपर्टीज़ पे जाइए, देन एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे ओनर में आपको R&W, ग्रुप में R एंड ग्लोबल में R देने के बाद देन से अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर है 644, आपको यही सेम रखना है। देन बैक कीजिए एंड इसको रिफ्रेश करके आप अपने फ़ोन को रिबूट कर दीजिए। तो रिबूट होने के बाद अभी आप एंड्रॉयड पाई की इमोजीज को यूज़ कर सकते हो। एंड जो दूसरा तरीका है उसको आप रूटेड या अनरूटेड दोनों ही फ़ोन्स में कर सकते हो। इसे करने के लिए आपके फ़ोन में TWR पी रिकवरी होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। तो करने के लिए आप अपने फ़ोन को रिकवरी पे रिबूट कीजिए। तो रिकवरी पे आने के बाद आपको इंस्टॉल पे जाना है, देन स्टोरेज सिलेक्ट करके आप फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, एंड्रॉयड पी इमोजी वर्जन 8। तो फाइल को सिलेक्ट करने के बाद देन स्वाइप टू फ्लैश कर दीजिए एंड देन रिबूट सिस्टम। अभी आपके फ़ोन में एंड्रॉयड पाई इमोजी फोन्स इंस्टॉल्ड हो गया है। एंड वापस फ़ोन इमोजी पे आने के लिए आपने जो डिफ़ॉल्ट इमोजी फाइल वहाँ पे बैकअप किया था उसको कॉपी कीजिए एंड देन रूट, देन सिस्टम, फोन्स। तो नए वाले से इसको रिप्लेस कर दीजिए। एंड होने के बाद आप फिर से फ़ोन को रिबूट कीजिए, उसके बाद पहले जैसा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी बात हो तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना इंस्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।